तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी कहानियाँ लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। साथ ही आपको एक बात और बता दूँ, कहानी के अंत में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बात को अभी 3-4 ही दिन हुए हैं। अब सच या झूठ ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर एक बार देखना तो बनता है, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था। बाकी बात करूँ कहानियों की, आप मुझे जिस तरीके से कहानियाँ भेज रहे हैं, मैं पूरी कोशिश के साथ उन्हें जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी किसी वजह से, लेकिन मैं यूपी से हूँ। कहानी मेरे बड़े भाई की है। उसने मुझे बताया कि अक्सर वो बगल वाले मोहल्ले में बैठता है। उस मोहल्ले में एक आदमी की दुकान थी जो कि समोसे मिठाई बेचता था। एक दिन वो कहीं बाहर गया हुआ था, अचानक खबर आई कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये बात जब मेरे भाई को पता चली तो वो बहुत दुखी था। यूँ समझिए उसे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही उसने उनकी दुकान से समोसे खाए थे। पर खैर, जिस दिन अंकल की मौत हुई उस दिन रात मेरा भाई उन्हीं के मोहल्ले में बैठा हुआ था। उस वक्त वहाँ पर कई सारे लोग थे, पर वो अपने दोस्तों के साथ एक अलग जगह पर बैठा था। धीरे धीरे सब लोग अपने घर जाने लगे, लेकिन मेरे भाई को करीब रात के 1 बज गए होंगे। वो वहीं अपने दोस्तों के साथ बातें करने में लगा हुआ था। बात करते करते उसकी नज़र उसी अंकल के घर पर पड़ी जो कि मर गए थे। भाई ने देखा कि अंकल की घर की छत पर कोई आदमी खड़ा था। उसे लगा कि शायद उनके घर का कोई होगा। इस बात पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोबारा जब उसने वहाँ देखा तो वो थोड़ा सा करीब आ गया था। तब भी उसे यही लगा कि शायद कोई होगा। उसने फिर से कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तीसरी बार जब सबने उस घर की तरफ देखा तो सबके सब एकदम डर गए। ये वही अंकल थे जो कि मर चुके थे। वो बिल्कुल उनके करीब आ चुके थे। सबके सब डर के मारे इतनी ज़ोर से भागे कि अपने अपने घर आकर ही रुके। मेरा भाई तो इतना ज़्यादा डर गया कि अब उसने उस मोहल्ले में जाना ही छोड़ दिया। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी मेरे साथ भी घटी थी। आपको बता दूं कि मैं शुरू से ही नमाज इबादत में रहती हूँ, मुझे किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। एक दिन की बात है, हमारे इस्लाम में एक रात आती है सबे कदर की रात। इस रात को हम सभी लोग रात भर इबादत करते हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो भी ठीक उसी रात को हुआ। नहीं मालूम क्यों, मैं से ही रात में इबादत कर रही थी कि तभी अचानक से एक बड़ा सा बिच्छू मेरे पास आ गया। नहीं मालूम वो वहाँ पर कैसे आया, लेकिन वो ठीक मेरे बगल में आ चुका था। मैंने डर की वजह से उसके ऊपर किताब रख दी। मैंने अम्मी को आवाज़ लगाई तो अम्मी ने वो किताब उठाई। दोस्तों, बिच्छू उसके नीचे नहीं था। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी भारी किताब थी। अम्मी ने कहा तो एक काम कर, सो जा, नींद की वजह से हो रहा होगा। खैर, मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ करी और चुपचाप सो गई। सोते वक्त मेरी नज़र डोर पर पड़ी। डोर हल्का सा खुला था और ठीक उस हल्के से गैप में मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया जो कि मुझे ही देखकर हंस रहा था। मैं डर के मारे उठकर बैठ गई, लेकिन इस वक्त वो वहाँ नहीं था। बस मैं इतना जानती थी कि अब तक मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था, शायद वो मुझे इबादत नहीं करने देना चाहते थे। ऐसा क्यों था मुझे ये भी नहीं मालूम। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और चुपचाप सो गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके बाद से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ जो कि बहुत पुरानी है। ये कहानी हमारे एक रिश्तेदार के साथ हुई थी। ठीक रिश्तेदार गांव में रहते थे। उनके गांव जाने वाले रास्ते में एक रेलवे स्टेशन लाइन पड़ती थी। एक दिन वो आदमी काम करके अपने गाँव जा रहा था। रास्ते में जब वो लाइन के पास पहुँचा तो उसने पाया कि उसके पास कोई आ रहा है। उन अंकल को लगा कि शायद आज तो मैं लेट हो गया हूँ, क्या पता ये भी लेट हो गया होगा। एक अकेलापन सोचने की वजह से शायद मेरे पास आ रहा था। खैर, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और जब वो ठीक उनके करीब आया तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ पैर कटे हुए थे। वो ठीक उन अंकल से कहने लगा कि मुझे मेरे गांव छोड़ाओ। वो अंकल उन्हें देखकर इतना डर गए कि बता नहीं सकते। और आप लोग तो जानते ही हो कि पहले के ज़माने में लोग बहुत लंबे चौड़े होते थे। उस आदमी ने हिम्मत की और उसका कोई जवाब नहीं दिया। और तो उसको इग्नोर करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते वो अपने घर की ओर चल पड़े।
रास्ते में चलते वक्त उन्होंने पीछे मुड़ के भी देखा, पीछे कोई नहीं था। इसके बाद वो अपने घर पर आकर चुपचाप सो गए। अगली सुबह जब उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो सबके सब बेहद डर गए। बाकी दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं सर की पुरानी सब्सक्राइबर हूँ और सर की कहानियाँ मुझे बेहद पसंद है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, मगर इनके साथ या इनके परिवार या रिश्तेदार किसी के साथ भी छोटे छोटे जो भी किस्से हुए इन्होंने हम सबके साथ साझा किया। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक इसी के साथ ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं ठीक दिल्ली से हूँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ ही घटी है। उस वक्त मेरी उम्र 12 से 13 साल की थी। हमारा पूरा परिवार दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ था क्योंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र मुंबई में हो चुका था। दोस्तों, मुंबई के बारे में बहुत सुन रखा था, यहाँ के टूर्स के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। सच कहूँ तो मैं एक्साइटेड था। मैं पूरी तरह से तैयार था मुंबई को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ, मेरी बचपन से एक आदत थी, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। एनीवेज, मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ और मैं बहुत एक्साइटेड भी था। हमारी टीचर का एक रूल था कि बुरे बच्चे आगे के बेंच पर बैठेंगे और अच्छे बच्चे बैक बेंच पर। मैं पढ़ाई में अच्छा था तो इसीलिए उन्होंने मुझे पीछे बिठाया। उसके बाद मेरी पीछे एक लड़के से दोस्ती हो गई। वो जस्ट मुझसे एक बेंच पीछे बैठा था। वो लड़के का नाम जतिन है। वो भी ठीक हमारी ही तरह रेंट पर आया था, पर उसकी वजह क्या थी वो मुझे नहीं पता। सच कहूँ तो वो एक ही दिन में मेरे एक अच्छा दोस्त बन गया। उसका नेचर बहुत फ्रेंडली था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे कब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों साथ में गेम्स भी खेलते थे। एक दिन उसने मुझे अपना घर दिखाया। उसका घर स्पिरिचुअल चीज़ों से भरा था। भगवान के फोटोज़ ऑलमोस्ट हर जगह पर लगे थे। ये सब देखकर मैं बहुत हंस रहा था, नहीं मालूम पर क्यों। कुछ ही टाइम में उसकी मॉम से मेरी बात हुई और मुझे पता चला कि उसके पिताजी नहीं हैं, वो लोग बिजनेस करते हैं फ्रूट की शॉप का। धीरे धीरे मेरा उसके घर पर आना जाना लगभग रोज हो गया था। हम दोनों गेम्स खेलते, आपस में बातें करते, वी आर गुड फ्रेंड। देन एक बार ऐसा हुआ कि वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा था। उन दिनों मैं भी उसके घर पर बहुत कम जाया करता था, इसीलिए मुझे उसके घर की कोई खबर नहीं थी। स्कूल ना आने के कारण एक दिन मैं उसके घर गया। घर पहुंचने के बाद मैंने पाया कि वो और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो एकदम से शांत हो गए। खैर, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुझे क्या हुआ, तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा। उसने कहा कि मैं स्कूल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मुझे बुखार हो गया है। इतने में ही माँ फ्रूट्स लेकर आई और हमने आराम से बैठकर खाए। लगभग 15-20 मिनट के बाद मैं अपने घर वापस चला गया। इसके ठीक अगले दिन से वो रोज़ स्कूल आने लगा, लेकिन उस दिन के बाद मैं स्कूल नहीं जा रहा था। मुझे धीरे धीरे फीवर होने लगा जो कि बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ हो गया। अचानक मेरे पेट में भी एक दर्द उठा, चक्कर से आने लगे। मेरी माँ मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गई, लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद भी कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और पूछा कि अब तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, टीचर्स तेरे ऊपर बहुत गुस्सा है। लेकिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा ठीक है, मैं टीचर से कह दूंगा, चल तू आराम कर। कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी की जॉब छूट गई जो कि मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बेकार था। एक दिन की बात है, मेरे घर पर दादा आए। उन्होंने मेरे डैड को हौसला दिया, कहा कि कोई बात नहीं, जॉब तो आगे भी मिल जाएगी। सबसे बात करने के बाद दादाजी मुझे देखकर बहुत टेंशन में चले गए, नहीं मालूम क्यों। सच कहूँ तो उस बीच मेरे साथ पैरालिसिस जैसी चीज़ें हो रही थी। मुझसे मेरा सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हो रहा था और मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके थे। मैं बहुत टेंशन में था। फिर एक दिन मेरे दादाजी मुझे मंदिर लेकर गए। वहाँ एक पंडित जी थे, किसी कारणवश वो बहुत बिजी थे। मंदिर में आरती होना शुरू हो गई और आरती की शुरुआत में ही मुझे चक्कर आने लगे। कुछ ही सेकेंड बाद मैं बेहोश हो गया। हालांकि जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने एक पंडित जी बैठे थे। वो मेरे साथ कुछ झाड़ फूँक कर रहे थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं फिर से बेहोश हो गया। अब जब इस बार मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर पर था। मैंने देखा कि मेरे गले में एक ताबीज़ है और मैं पसीने से लथपथ हूँ। दादाजी ने मुझसे कहा कि पंडित जी कह रहे थे कि तुझ पर कोई बहुत पावरफुल मैजिक है, आखिर कहाँ घूमते हो पूरे दिन, किसके घर जाते हो,
उस वक्त तो मैंने दादाजी को कुछ नहीं कहा। वो दिन ऐसे ही बीत गया। इसके ठीक अगले दिन से मैं स्कूल जाने लगा। मेरे दोस्तों ने बताया कि जतिन ने लीविंग सर्टिफिकेट ले लिया है और वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। मैं बस छुट्टी होने का इंतज़ार कर रहा था। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा उसके घर पर गया। घर पर उसकी माँ दरवाजे पर ताला लगा रही थी। जतिन बैग को गाड़ी में रख रहा था। मुझे देखकर तो वो जैसे शॉक हो गया और हकलाते हुए पूछने लगा कि मोहित, तू ठीक हो गया? मैंने उससे कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा, यार कुछ काम है इसीलिए। कुछ ही सेकंड में वो और उसकी माताजी गाड़ी में बैठ गए। उस वक्त उन्हें बाय बोलने के लिए उनके आसपास का कोई भी नहीं आया था। गाड़ी स्टार्ट होते ही मैंने देखा जतिन और उसकी माँ मुझे बड़ी अजीब सी स्माइल दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे कुछ बता रहे हैं। ये आखिरी बार था जब मैंने उनके चेहरों को देखा। वैसे इसके बाद मैं भी शिफ्ट हो गया। मैं वापस दिल्ली चला गया। लेकिन दोस्तों वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक पल थे। आज सोचकर भी बड़ा अजीब लगता है कि जिसके साथ मैंने दोस्ती की और जिसके साथ मैं रोज़ स्कूल पढ़ता हूँ और जिसके घर में मैं अक्सर जाया करता हूँ, नहीं मालूम कि मेरे साथ ऐसा करने का क्या कारण था। क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र भी नहीं थी ये सब कुछ पता लगाने की। पर मुझे मालूम है ये सब कुछ उन लोगों ने ही किया था। मैंने बस अपने जीवन में एक ही बात सीखी है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा पर्सनल बना लेना ठीक नहीं है। मेरे साथ ये सब होने के बाद और ये सब पिताजी को बताने के बाद हम लोग भी वापस दिल्ली में शिफ्ट हो गए। मेरी ये कहानी इतनी ही थी। बस आपसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। धन्यवाद। देखा दोस्तों, थी ना कहानी बढ़िया। इसी तरह एक कहानी और सुनाता हूँ, आइए सुनते हैं। दोस्तों आज मैं आपको अपनी एक आबीती बताना चाहता हूँ। मैं गांव में रहता हूँ और मैं अपने गांव का नाम नहीं बताऊँगा। बस इतना बता दूँ कि हम अपने खेत में आलू का काम करते हैं। और ठीक आज से 4 साल पहले जब मैं 14 साल का था तो हमने अपनी फसल में आलू उगाए थे। कुछ महीनों बाद मिट्टी को खोदने का समय आया। हमने ठीक मजदूरों से आलू खुदवा लिए। शाम हो चुकी थी। मजदूर आलू खोदकर अपने अपने घर जा चुके थे। उस वक्त बस मैं और मेरे पिताजी ही रह गए। हम ठीक खेत में आलू के ढेर को देखते ही रह गए। रात हो चुकी थी। पिताजी ने मुझसे कहा कि सूरज, मेरे लिए यहीं खाना ले आ, मैं यहीं सोऊंगा आज, वरना कहीं गाय आ गई तो ये सब कुछ खा जाएगी। मैंने पिताजी से तुरंत कहा कि पिताजी ठीक है। मैंने तुरंत अपनी साइकिल निकाली और घर पहुंचा। हमारे खेत से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले मैंने घर जाकर अच्छे से नहाया और उसके बाद खाना खाया। तकरीबन रात के 11:34 बज गए थे। माँ ने जल्दी से खाना पैक किया और मैं तुरंत ही अपनी साइकिल से खेत की ओर निकल गया। उधर पिताजी को ये लगा कि शायद मैं नहीं आ रहा हूँ, इसीलिए पिताजी खाना खाने के लिए घर जाने लगे। मैं खेत पर पहुँचा। मैंने पिताजी को कई बार आवाज़ दी लेकिन पिताजी वहाँ पर थे ही नहीं। यूँ समझिए कि पिताजी घर पहुँच चुके थे और मैं वहाँ खड़ा खेतों में पिताजी को आवाज़ दे रहा था। मुझे लगा शायद पिताजी यहीं कहीं होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन उसी बीच मैंने ये भी देखा कि हमारे खेत से एक खेत छोड़कर कच्चे रास्ते के पास एक बेर का पेड़ था। वहाँ कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा था। मैं तब भी पिताजी को आवाज़ दे रहा था कि तभी मुझे वहाँ से वापस आवाज़ आई कि हाँ, मैं यहीं हूँ, इस बेर के पेड़ के पास। दोस्तों मैं समझ चुका था कि ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ मेरा कोई काम नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि शायद ये कोई भयानक आत्मा है। मैंने कोई जवाब ना देते हुए थोड़ी देर वहीं इंतज़ार किया। मैं जानता था कि अगर वो मेरे पिताजी होते तो वो मेरे पास ज़रूर आते, लेकिन हमारे खेतों में हमारे पूर्वजों की समाधि है, इसीलिए वो मुझे वहाँ बुला रहा था। बस 5 मिनट होने के बाद मैंने आओ देखा ना ताओ मैं वहाँ से साइकिल लेकर भागा। सच कहूँ तो 2-3 बार रास्ते में मैं गिर भी गया। इन सब की वजह मेरे अंदर का डर था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कई बार मेरी साइकिल की चैन भी उतरी लेकिन मैं चैन लगाता और आगे बढ़ते चला गया। और तो और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि रास्ते में एक छोटी सी हवेली पड़ती है जो कि बहुत डरावनी है। उस हवेली में लड़के और उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया था। ये बात सोचकर मैं और ज़्यादा डर गया।
मैं साइकिल चलाते चलाते हनुमान चालीसा बोलने लगा। तब जाकर कहीं मुझे थोड़ी हिम्मत आ रही थी। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। मैंने ये सारी बात घर वालों को बताई। मेरी बात सुनने के बाद घर के सभी लोग बहुत डर गए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों मेरे पिताजी बहुत निडर इंसान हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी रात के तकरीबन 1 या 2 बजे तक खेतों में पानी देकर वापस घर आते थे। बस यही थी मेरी ये कहानी। मैं महेश भैया का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो कि हमारे लिए वो इतनी मेहनत से कहानियाँ लाते हैं। आज मैं आप सभी को बता दूँ कि मुझे भैया के साथ जुड़े हुए 4 साल हो गए। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, इन्होंने भी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अजय है। मैं जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 2B का रहने वाला हूं। ये कहानी आज से 15 साल पहले की है। तब मैं और मेरी बहन मेरी नानी के घर गए हुए थे। हमारी नानी का घर हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। नानी के घर पे नाना नानी मामा मामी और मेरे मामा का एक बेटा और एक बेटी है। तो ठीक मेरी बहन मेरी नानी के साथ रात को सो रही थी। सोते वक्त उसे सडनली पास के रूम से कुछ आवाज़ आने लगी। मेरी बहन ने बताया कि उसे किसी बूट की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इस रूम से दूसरे रूम में जा रहा हो। ये बात रात 1 बजे की है। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ टाटा स्टील में काम करने वाले लोगों को ऐसे शूज मिलते हैं, लेकिन रात के 1 बजे कौन जूते पहन के घूमता है। सुबह होने के बाद मेरी बहन ने रात की पूरी बात बताई। मैं उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने ये बात पिताजी को बताई तो उसी दिन मेरे पिताजी आए और मेरी बहन को वापस ले गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। मैंने पूरा दिन खूब इन्जॉय किया। अब रात को नानी के साथ सोने की मेरी बारी थी। मैं तकरीबन 8 बजे खाना खाकर सो गया। लगभग रात के 12:30 बजे अचानक मेरी नींद खुली। उस वक्त मैंने नोट किया कि सामने वाले रूम से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसी वक्त मुझे मेरी बहन की बात याद आई, जैसा कि उसने बताया था। मेरे साथ भी ठीक सब कुछ वैसे ही हुआ, लेकिन मैं हिम्मत करके उस रूम में देखने लगा। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, उस रूम में पूरी तरह से रोशनी थी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरा तो सच में दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि दोस्तों नानी के घर में बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं था। मैं डर के मारे नानी के पास जाकर कंबल ओढ़कर सो गया, लेकिन फिर से मुझे वही जूतों की आवाज़ सुनाई थी। सच कहूँ तो उस वक्त मैं डर से कांप रहा था। वो जो कोई भी था वो जूते पहन के इधर से उधर घूम रहा था। फिर वो चलने की आवाज़ बाहर की तरफ जाने लगी। दोस्तों बाहर जाने के लिए एक लोहे का ग्रिल है, अगर आप उसे खोलेंगे तो बहुत ज़ोरों की आवाज़ होती है। वो आवाज़ ठीक मुझे सुनाई थी। ऐसा लगा मानो कि जैसे कोई घर से बाहर चला गया हो। लेकिन चंद ही मिनटों बाद मुझे एक आवाज़ और सुनाई थी। ये ठीक वो आवाज़ थी जैसे किसी ने कुएं में छलांग लगा दी हो। दोस्तों मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पानी में गिरने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दी थी। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह के 4 बज चुके थे। पता नहीं कब मेरी आंखें लगी और मैं सो गया। इसके 1-2 दिन बाद जब मैंने माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वो उसके नाना जी थे जो कि टाटा स्टील में काम करते थे। नाना जी की छोटी बेटी ने उनको कुएं में धकेल कर उनकी हत्या कर दी थी। तब से उनकी आत्मा यहीं पर भटक रही है। साथ ही दोस्तों ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक्स सर मेरी कहानी सुनाने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या मैंने जो कुछ भी बताया ऐसा हो सकता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर कोई इस बात का विश्वास नहीं करता। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी अजय की कहानी। दोस्तों कई बार सवाल सिर्फ एक सवाल ही रह जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कई बार आत्माएं आपसे कुछ कहना चाहती हैं, शायद वो आपसे मदद की गुहार लगाती हैं, वो अपने बीते हुए अतीत के बारे में कुछ झलके हमें दिखाती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। दोस्तों मैं आप सभी को अपनी आंखों देखी बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं सर के चैनल पर जितनी भी वीडियोस आती हैं मैं सारी कहानियाँ सुनता हूँ और आगे भी सुनता ही रहूँगा। खैर आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं दरभंगा बिहार से हूँ। मैं हमेशा से गुड़गांव में रहता हूँ। ये बात 12 फरवरी 2024 की है। मैं रोज़ की तरह अपना डिनर करके माँ से बात कर रहा था।
तभी रात के 10 बज रहे होंगे, अचानक बिहार से मेरे चाचा की लड़की का कॉल आया। मैंने जैसे ही माँ को फोन दिया तो चाचा की बेटी सपना वो रोते रोते कहने लगी। उसने कहा, दादी अब नहीं रही। ये सुनते ही सबके सब सोचने लगे कि अभी तक तो दादी एकदम ठीक थी, अचानक से ये सब कैसे हुआ। इसके ठीक अगली सुबह गांव पहुंचे। हमारे यहाँ 13 दिन तक क्रियाक्रम होता है, वो सब कुछ हम सब ने किया। और जब सारा काम खत्म हुआ तो ठीक 13वीं की रात की बात है, हम सब अपने अपने रूम में रात को सो रहे थे। माँ को अचानक दांत में दर्द होने लगा। मैं चुपचाप फ़ोन चला रहा था। मैं ऐसे ही दांत की वीडियोस देख रहा था कि तभी मुझे एक वीडियो मिला। उसमें बताया गया था कि अमरूद के पत्ते को पीस के दांत में डालने से ठीक हो जाता है, लेकिन रात ज़्यादा हो रही थी और आपको गांव के बारे में तो मालूम ही होगा, देर रात दवाई का कोई उपचार नहीं होता, लेट नाइट गांव में कुछ नहीं मिलता। लेकिन पिताजी ने ऐसा किया कि हमारे दरवाजे पे हमने अमरूद लगा रखे हैं। पिताजी वहां से पत्तियां लेकर आए और उनको पीसकर माँ के पास ले गए। पिताजी ने जैसे ही माँ को कहा कि लाओ दांत पे लगा दूँ, तभी माँ एकदम से रोकने लगी। पिताजी ने फिर कहा, इसको लगा लो, क्या मालूम ठीक हो जाए। लेकिन माँ जोर से बोली, नहीं लगवाना, दूर रखो उसको। इतना कहकर माँ रोने लगी। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, माँ का फेस ऐसा हो गया था जैसे वो माँ है ही नहीं। मेरे पिताजी समझ गए कि ये कुछ और ही चक्कर है। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ दादाजी को बुला कर लाओ, दादाजी को इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है। मैं तुरंत ही भाग कर गया और उनको बुला कर लाया। मैं तो चुपचाप माँ के पास आकर बैठ गया। वो ठीक माँ के पास आकर बैठ गए और माँ से पूछने लगे कि बहू क्या हुआ, ठीक हो। माँ अपना सर नीचे किए गाल पे हाथ रखकर रोए जा रही थी। इतने में और भी रिश्तेदार वहाँ पर आ गए, क्योंकि उस दिन काम खत्म हुआ था तो सब लोग यहीं थे। जो कुछ लोग बाहर बैठे थे वो भी तुरंत अंदर आ गए। दादाजी ने पूछा, कौन हो। फिर हम सबको मालूम चला कि माँ के ऊपर दादी आई थी। दोस्तों आप मानो या मत मानो, ये बिल्कुल सच है। मैंने खुद देखा वो दादी की आत्मा थी, क्योंकि वो दादाजी से बात करने लगी जैसे वो बात किया करती थी। वो दादाजी से कह रही थी कि अब मैं जा रही हूँ, मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से मेरा काम किया, मैंने आज बहुत कुछ खाया, आज शाम को जो भजन हुआ मैं भी उसमें शामिल थी। दोस्तों आपको बता दूँ कि मेरी दादी सतगुरु की भक्त थी, वो गले में तुलसी पहनती थी। आखिर में दादी ने पिताजी से कहा कि सब बच्चों को अच्छे से रखना, तुम घर के सबसे बड़े हो, सबका ध्यान रखना। इसके बाद दादी बुआ को देखकर रोने लगी, कहने लगी कि तुम भी अच्छे से रहना। उसी बीच दोस्तों मैंने भी पूछा कि क्या आप मुझे जानते हो। दादी ने कहा कि तू तो मेरा पोता है राहुल। ये देखकर सबके सब रोने लगे। लेकिन फिर दादाजी ने कड़क आवाज में कहा कि जा अब चली जा, सबको जाना पड़ता है। दादाजी ने कुछ मंत्र पढ़े और माँ को लेटा दिया। थोड़ी ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। माँ जब उठी तो इतनी रात सबको अपने रूम में देखकर हैरान हो गई। घड़ी में समय देखा तो आधी रात हो चुकी थी। कहने लगी कि क्या हुआ सबको, अभी तक सोए नहीं। दोस्तों माँ को कुछ भी याद नहीं था। दादाजी ने फिर से पूछा कि बहू ठीक हो। माँ ने कहा कि मुझे क्या हुआ। इसके बाद हम सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। दोस्तों तब से सब कुछ ठीक रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी पूरी फैमिली वापस गुड़गांव आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज ठीक 7 महीने के बाद, बात 2 दिन पहले की है, 13 सितंबर 2024 की रात, अचानक माँ के पैर में दर्द होने लगा। हमने डॉक्टर को दिखाया, दवाई खाकर वो ठीक हो गई। लेकिन फिर सेम दर्द 15 सितंबर की रात 9 से 10 बज रहे होंगे। माँ जैसे ही पानी पीने उठी और पानी पीते पीते उन्हें बहुत तेज की ठंड लगने लगी। वो जल्दी से भागकर बेड पे आकर लेट गई। वो अचानक कांपने लगी। मैंने माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ। माँ ने कांपते हुए कहा कि बहुत ठंड लग रही है, कंबल उड़ा दो। मैंने तुरंत ही एक कंबल माँ के ऊपर डाल दिया। माँ कहने लगी कि और कंबल डालो, बहुत ठंड लग रही है। मैंने एक साथ 2 कंबल डाल दिए, लेकिन माँ अभी भी कांप रही थी। पिताजी भी बोल पड़े कि अजीब बात है, अभी तो इतनी ठंड भी स्टार्ट नहीं हुई, ये ऐसे कैसे हो रहा है, वो भी अचानक। पिताजी ने फूफा जी को कॉल किया। उनके परिवार में 2 डॉक्टर हैं और फूफा जी को भी काफ़ी नॉलेज है। पिताजी ने फूफा जी को सारी बात बताई, उन्होंने कुछ दवाइयाँ बताई। मैं तुरंत ही दवाई लेने चला गया। घर आकर हमने माँ को दवाई खिलाई, लेकिन उस दवाई का कोई भी असर माँ पर नहीं हो रहा था। माँ लगातार कांपती जा रही थी। इसके बाद धीरे धीरे माँ का फेस थोड़ा अजीब हो गया, कभी हंसने लगती तो कभी अचानक मुंह बना लेती। वो बार बार पानी मांग रही थी। उस वक्त उनकी आवाज़ थोड़ी अजीब थी, कहती मुझे पानी दे दो। मैं जैसे ही पानी देता
तो 2 मिनट बाद फिर दोबारा कहती, मुझे पानी दो। अब पिताजी समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। पिताजी ने फिर से फूफा जी को कॉल किया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन झाड़फूक सब जानती है। फूफा जी ने अपनी बहन को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। पिताजी ने सारी बातें बताई। दीदी ने कहा कि मोबाइल माँ के कान के पास रखो। पिताजी ने ऐसा ही किया। उस वक्त दीदी ने फोन पे ही झाड़फूक किया। फिर धीरे धीरे माँ नॉर्मल हुई। नॉर्मल होते ही माँ कहने लगी कि इतने सारे कंबल क्यों डाल दिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने तुरंत ही कंबल हटा दिए और माँ को कुछ भी नहीं बताया। मैंने बस यूं ही कहा कि माँ मैं तो मजाक कर रहा था, आप आराम से सो जाइए। दोस्तों इसके बाद से तो ठीक ही चल रहा है। ये मेरी फैमिली की एक सच्ची कहानी है। मुझे नहीं पता कि आपको ये सच लगेगी या झूठ, लेकिन ये कहानी मेरे आंखों देखी है। आप इस कहानी पर क्या कमेंट्स करना चाहेंगे नीचे ज़रूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों इसी कहानी के साथ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सर को बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है और मैं नेपाल में रहता हूँ। ठीक, जो मैं किस्सा बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, जो कि मेरे और मेरी फैमिली पर बीता हुआ है। एक बार मेरे भाई अर्पण ने मुझे पानी लेने बाहर भेजा था। उस वक्त रात के 9 या 10 बजे थे। मैं भाई की बात मानकर पानी लेने चला गया, पर जब मैं पानी लेकर वापस आ रहा था तो मुझे पायल गूंजने की आवाज़ आ रही थी। मैंने फटाफट पीछे देखा तो उधर कोई भी नहीं था। मेरे को लगा कोई बात नहीं, नॉर्मल होगा, लेकिन वो जो कुछ भी था वो अचानक मेरे सामने आ गया। मेरे हाथ में जो पानी की बाल्टी थी वो एकदम से छूट गई। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ वहाँ से हिल तक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। उसी वक्त जब मैंने माँ बोला तो उसने मुझे छोड़ दिया। मैं भागकर तुरंत घर चला आया। दोस्तों मैं पूरी रात नहीं सो पाया। दूसरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। माता पिता ने पुजारी को बुलाया और मेरी पूजा लगवाई। ठीक उस दिन के बाद से आज तक कुछ नहीं हुआ। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको सच्ची लगेगी। धन्यवाद। दोस्तों कहानियाँ खत्म करने से पहले कि जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ। बात गोरखपुर की है और ये घटना आज से 3 दिन पहले की है। ठीक रात 11 बजे कुछ लोग मैस में पानी पीने गए थे। वापसी में आते वक्त उनके रूम के बगल वाले कमरे से उन्हें कुछ आवाज़ आई, जबकि वो रूम काफ़ी समय से लॉक था। उस रूम में कोई नहीं था। उस रात उन्होंने वहाँ कुछ देखा लेकिन पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और जो थोड़ी बहुत लंबी रिकॉर्डिंग थी वो वार्डन सर ने डिलीट करवा दी। हमने कैसे भी करके इस आधी अधूरी वीडियो को छुपा लिया। बाकी मैं सर को बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, और तो और मैं और मेरा पूरा परिवार लगभग 2 साल से देखते आ रहे हैं। सोचा सर को बताता चलो, अभी अभी की ही बात है। हाँ एक बात और, यहाँ पर 2 लोगों ने सुसाइड किया था और ठीक 1 दिन पहले ही हॉस्टल के मेंबर की डेथ हो गई, जिनको हम यादव जी कहते हैं। वो थोड़े हमसे क्लोज थे। और तो और इस हॉस्टल में एक वार्डन ने भी सुसाइड किया है, साथ ही एक लड़का टेरिस से भी गिरा था। बाकी हम अच्छे से तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन हमने साफ साफ देखा था कि वहाँ कोई बैठा हुआ है जो कि अचानक गायब हो गया। तो दोस्तों ये छोटा सा किस्सा सुनाने के बाद मैं उस जगह का नाम आपको नहीं बताना चाहता। हालांकि वहाँ कोई भी एक्टिविटी हुई हो उस पर बिना जांच पड़ताल के हम कोई भी सवाल नहीं उठा सकते। बाकी आपको जो भी ठीक लगता है वीडियो देखकर आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो आपके स्क्रीन पर है, देखिए। ये थी रिकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, बस कुछ ही दिनों में। तो ठीक, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।